Hey guys, welcome back to my channel, Miss Bossy. It's me, Sonia. आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है. तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा वाला वीडियो जो है हेयर्स के ऊपर. अब आप देख रहे होंगे मेरे इतने ज़्यादा डैमेज रफ हेयर हो रहे हैं और मुझे जाना है मीटिंग में, लेट हो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. लेकिन फिर भी मेरे पास सब चीज़ों का फॉर्मूला है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतना अच्छा सीरम कि आप सोच नहीं सकते हो. उसको यूज़ करने से पहले मैं अपने बालों के दो पार्ट्स कर लेती हूँ कुछ इस तरह से. एक साइड में कॉम करूँगी, ये देखो, इस तरह से आपको कभी कॉम नहीं करनी है. इस तरह से आपके बाल टूट जाएंगे. आपको कॉम करनी है इस तरह से. ऊपर से पहले थोड़ा सा ले लीजिए और फिर पकड़ के नीचे से फ्री कर लीजिए अपने बालों को. फिर कंटिन्यू ऊपर से नीचे लेकर आइए, तो इस तरह से आपके बाल टूटेंगे नहीं जो टूटने चाहिए. और देखो इस तरह से जो मैंने किया था डायरेक्टली मेरे बाल टूटे हैं, मेरे हाथ में आया. मैं आपको दिखाती हूँ अब. तो इस तरह से कभी भी कॉम नहीं करनी चाहिए. सीधा नीचे से आप पहले कीजिए, फिर ऊपर से लेकर नीचे आइए. हाँ, आई नो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन बाल नहीं टूटेंगे. छोटे हो या बड़े, यार बाल तो बाल ही होते हैं ना. आम लड़कियाँ वैसे ही बालों की बहुत बड़ी फैन होती है. तो ये है टोटल रिपेयर लॉरियर पेरिस का स्मूथिंग एंड रिपेयरिंग सीरम. यस, थोड़ा सा इसको अपने हाथों में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है. आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है. मैं अपने दोनों हाथों में इस तरह से कर लूँगी और फिर आपको अपने बालों में नीचे से लगाना है. कभी भी अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है सीरम कोई भी हो. आप सिर्फ अपने बालों पे ही इस तरह से लेंगे. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल. तो अगर आपके पास अगर ये नहीं है तो भी अगर आपके बालों में चाहिए शाइनिंग स्मूथिंग, तो आप उसके लिए एरोवेला जेल भी यूज़ कर सकते हो. मेरे पास फिलहाल ये था तो मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है. मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ. इसको हल्के हल्के अपने हाथों से मसाज करते रहिए जब तक आपके बालों से टैंगल फ्री नहीं हो जाएं. वैसे तो हो जाते हैं बहुत इजीली, अब आप देख रहे होंगे बहुत इजीली और स्मूथ सी शाइन आ जाती है मेरे बालों पर. ओहो, अब लग रहा है क्या. हाँ, अब मैं इस पर कॉम करूँगी अपने बालों से, फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया. पहले नीचे से पकड़ लीजिए अपने बालों को, फिर ऊपर से नील कर नीचे तक आइएगा तो आपके बाल कम टूटेंगे. अब मैंने इस तरह से कुछ कॉम कर ली है. इस सीरम की सबसे अच्छी खासियत सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके बालों पे बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, डैमेज फ्री हो जाते हैं और आपके हेयर कहीं से कहीं तक भी ड्राई नहीं दिखते हैं. आपको दिख रहा होगा मेरे बालों में एक अच्छी वाली शाइन आ रही है. छोटे हैं कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल अपने बालों की केयर करना हमारे सबके हाथों में ही होता है. तो मैं इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ और मेरे बाल इससे बहुत सही रहते हैं. धूप में जा रही हूँ, कहीं पर भी बाहर घूम रही हूँ, तो मेरे बाल जल्दी से डैमेज नहीं होते हैं. और इसको लगाने से आपके बाल जितने भी फ्रीजी हो रहे होंगे, जितने भी रफनेस ही दिख रही होगी, वो सारी रिमूव हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे. एक दो बार भी यूज़ करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि अच्छे लग रहे हैं, कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी नज़र आने लगता है. और ऑब्वियसली अगर आप डेली कोई चीज़ यूज़ करते हो तो धीरे धीरे उसका असर डेफिनेटली होता ही होता है. 5 problems 1 solution जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. और सबसे बड़ी बात, इसकी जो कॉस्ट है वो 170 rupees है ऑनली. इसको आपको छोटे पैकेज में भी मिल जाएगा 40 ml का, जिसकी कॉस्ट है 112 rupees. मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आपको चेक करने हो तो आप जाकर चेकआउट तो कर ही सकते हो, उसमें तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे. लेकिन इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है. तो अब मैं रेडी हो गई हूँ मेरे बालों के लिए और लेट भी हो रही हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है बॉस और मैं ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. Bye.